हाँ एसपी साहब, नहीं ये अभी जो घटना घटी है खानपुर में, हम आए हुए हैं रघुवीर जी के यहाँ। ये मामला एसपी साहब, एक साल पहले ये घटना घटित हुआ, अपराधी पकड़ा है। लोग कह रहा था, वो धमकी दे के भी गया कि निकलेंगे बाहर तो मार देंगे, और इस घटना में कोई सावधानी नहीं बरती गई। हाँ एसपी साहब, हाँ 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 आवाज आ रही है आपकी। नहीं ये अभी जो घटना घटी है खानपुर में, हम आए हुए हैं रघुवीर जी के यहाँ। ये मामला एसपी साहब, एक साल पहले ये घटना घटित हुआ, अपराधी पकड़ाया। ये लोग कह रहा था, वो धमकी दे के भी गया कि निकलेंगे बाहर तो मार देंगे, और इस घटना में कोई सावधानी नहीं बरती गई। मतलब और उस तरह के भ्रष्ट जो थाना प्रभारी है उसके विरुद्ध भी बताया जा रहा है, उसके बाद भी उसका यहाँ से ना हटाना, ये तो पूरा मामला लगता प्लांड वे में इस तरह की हत्या का नहीं। थाना प्रभारी को हटा देना, मतलब इस तरह के भय के वातावरण से मुक्त हो सकता है क्या? इन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ ये पूरी घटना चक्र में उनकी इन्वॉल्वमेंट, और कौन भ्रष्ट पदाधिकारी इस तरह के मामला में इन्वॉल्व रहा उस पर तो नहीं कार्रवाई हो इसे लोगों पर। और एक बार आप अपने से आकर करके मिलना चाहिए कि ये घटना बताइए, साल भर पहले जो आदमी मतलब इस तरह के है, क्या नाम है जी उसका जो पकड़ाया था, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद गुलाब, इस तरह के वातावरण दहशत के फैला गया, फिर कैसे स्थापित होगा सुशासन? कहाँ यहाँ पर तो आपके बारे में तो नहीं बताया क्या है? आप एक बार परिजन को आकर के इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप लीजिए, और अगर जो कोई घटना घटित होगा एसपी साहब, तो हम खुद आकर के यहाँ बैठेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीरता से है कि ऑलरेडी साल भर पहले ये घटना घटित होता है, अपराधी धमकी देके जेल जाता है, और आपके थाना प्रभारी उसको संरक्षित करता है, और इसी के ऊपर उल्टे से प्रेशर डालता है, इसका बेटा नौकरी करने गया है उसका नाम डलवा देता है, और उसके बाद कंप्रोमाइज करवाता है, ये सब अति हो गया है। आप दिखवा दीजिए इसको अपने स्तर से। ठीक है, आप इसको दिखवा करके हमको कल पूरा डिटेल एक बार फिर हम बात करेंगे आपसे।